सो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक प्रोफेशनल लेवल का म्यूजिक प्लेयर सीखेंगे कि हम फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक यानी प्ले स्टोर पर अपलोड होने तक का प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखेंगे। शायद ये एक वीडियो ना हो, दो तीन वीडियो भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। हम मुकम्मल डिटेल के साथ इस कोर्स में सीखेंगे एक म्यूजिक प्लेयर के बारे में। सो चले स्टार्ट करते हैं हम एक न्यू प्रोजेक्ट से। यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे हम नाम देंगे, मैंने एक नाम चूज किया है ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक प्लेयर। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। सो जावा लैंग्वेज ठीक है, फिनिश करते हैं। सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड चालू है। जैसे ही कंप्लीट होता है सो आई थिंक ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। सो एक्सएमएल पे आते हैं, यहाँ पे हम ये टेक्स्ट व्यू की जगह एक इमेज व्यू ले लेंगे। इमेज व्यू सेलेक्ट करते हैं। अब मैं अपने ऐप के लोगो यहाँ पे ड्रायबल फोल्डर में पेस्ट करेंगे। मैं अपने ऐप का लोगो यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मेरे ऐप का लोगो है। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ रिसोर्सेस ड्राइबल फोल्डर में कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। सो लोगो नाम से ठीक रहेगा। सो SRC लोगो। सो आई थिंक हमारा उसका स्क्रीन इसी तरह ठीक है, बिल्कुल फिट आ गया है पिक्चर हमारा। सो मैं इसमें चेंजिंग नहीं करूँगा, सीधा अब हम जावा कोडिंग करेंगे स्प्लैश स्क्रीन के लिए। सो स्प्लैश स्क्रीन के साथ साथ हम यहाँ पे कंडीशन डायलॉग भी ऐड करेंगे, जैसे जिससे हम अब यूज़र से स्टोरेज परमिशन लेंगे। मैनिफेस्ट में जाते हैं हम, यहाँ पे हम कुछ परमिशन ऐड करते हैं। रिलीज परमिशन, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, सॉरी राइट एक्सटर्नल नहीं, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सेस वाईफाई स्टेट, चेंज वाईफाई स्टेट, नेटवर्क, इंटरनेट, अब हम इन परमिशन के लिए अलर्ट डायलॉग ऐड करेंगे, जावा कोडिंग करेंगे। सो आते हैं मेन एक्टिविटी पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल ऐड करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट ऐड करेंगे, आल परमिशन मिशन इज इक्वल टू, इसे इनिशियलाइज भी करते हैं, जो भी फिगर आप ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 101 ऐड करता हूँ,
एक और ऐड करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट ऐड करते हैं परमिशन के नाम से। इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग मैनिफेस्ट फर्स्ट डॉट परमिशन सॉरी हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐड करना भूल गए, सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐड करते हैं। डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन सॉरी हम यहाँ पे एक और परमिशन ऐड करना भूल गए लोकेशन का, सो इसे हम सबसे पहले यहाँ पे यूज परमिशन लोकेशन एक्सेस फाइन लोकेशन परमिशन ऐड करते हैं। सो वापस आते हैं यहाँ पे एक्सेस फाइन लोकेशन परमिशन कॉमा मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज कॉमा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ पे हम एक मेथड ऐड करेंगे अब प्राइवेट वॉइड और रन टाइम परमिशन मिशन। अब यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे इफ कॉन्टेक्स्ट कंपार्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन क्या नाम है हमारे स्प्लर स्क्रीन का मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस लोकेशन एक्सेस कोर्स लोकेशन कहाँ पे हैं एक्सेस एक मिनट एक्सेस कोर्स लोकेशन यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू पैकेज पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। एक और इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे इफ कॉन्टेक्स्ट कंपार्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन मेन मेन एक्टिविटी डॉट दिस मैनिफेस्ट फेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे ये नॉट और इक्वल में स्पेस कंपाइलर एरर थ्रू करेगा अगर जब अगर आप यहाँ ए स्पेस ऐड करेंगे नॉट और इज इक्वल टू में, सो यहाँ पे स्पेस आप स्पेस के लिए आप ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे स्पेस ना हो। सो इज नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। एक और इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे इफ कॉन्टेक्स्ट कंपार्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन मेन एक्टिविटी सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज इज नॉट इक्वल टू पैकेज डॉट
पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। हम यहाँ पे अपने तीनों इफ स्टेटमेंट को छोड़कर यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे, इफ एक्टिविटी कंपार्ट डॉट शुड और शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल। यहाँ पे हम मैन एक्टिविटी डॉट दिस कामा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज स्लैश स्टोरेज रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी कंपार्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन मेन एक्टिविटी इससे मैनिफेस्ट आ जाता है यार, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कामा परमिशन मिशन जो हमने वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल ऐड किए थे ये वाले परमिशन कामा एक और परमिशन हमने ऐड किए इंस्टेंस वेरिएबल ऐड किया था आल परमिशन। इसके बाद हम यहाँ पे एल्स ऐड करेंगे, एल्स एक्टिविटी कंपार्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन मेन एक्टिविटी डॉट दिस परमिशन डॉट सॉरी कामा सॉरी ऑल परमिशन। सो अब हम इस अपने मेथड को छोड़कर यहाँ पे मेथड के कर्ली ब्रेसेस से नीचे आके यहाँ पे हम एक और मेथड ऐड करेंगे, ऐड करते हैं एट द रेट प्रेस करते हैं और राइट करते हैं, नीचे आते हैं पब्लिक वाइड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट और रिजल्ट। यहाँ पे एक इंट ऐड करते हैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कोड के नाम से सॉरी रिक्वेस्ट। सो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, सो इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो जब यूज़र परमिशन एलो करेगा तो अब यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन का कोडिंग करेंगे। सो एक थ्रेड ऐड करेंगे यहाँ पे थ्रेड बैकग्राउंड के नाम से इज इक्वल टू न्यू थ्रेड पब्लिक void run। अब हम यहाँ पे एक try एक ऐड करेंगे
ताकि कोई एरर आए हो तो उसे हैंडल कर सके। ट्राई स्लीप, यहाँ पे हम स्लीप ऑप्शन ऐड करेंगे। फाइव हंड्रेड माइल्स थिंक इतना ही टाइम, फाइव सेकंड ठीक रहेगा। आफ्टर फाइव सेकंड क्या होगा, आफ्टर फाइव सेकंड एक इंटेंट ऐड करेंगे। इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी ऐड करेंगे, मेन एक्टिविटी जहाँ पे हम म्यूजिक प्लेयर का जो मेन एक्टिविटी होता है वो ऐड करेंगे। ये तो स्प्लैश स्क्रीन है। फाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे जावा में एक एक्टिविटी ऐड करेंगे, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। इसे हम होम एक्टिविटी के नाम से ऐड करेंगे। फिनिश हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं, यहाँ पे न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे गेट बेस कॉन्टेक्स्ट कामा होम एक्टिविटी डॉट 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 क्लास। सो जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन ख़त्म होगा हमारा होम एक्टिविटी शुरू होगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। स्टार्ट एक्टिविटी आई के नाम से हेट किया था इंटेंट। सो आफ्टर दिस स्टार्ट एक्टिविटी हम एक्टिविटी को किल करेंगे, रिमूव करेंगे एक्टिविटी को। सो हम फिनिश ऐड करते हैं। सो स्प्लैश स्क्रीन का कोडिंग तो मुकम्मल हो गया, लेकिन एक कैच का ऑप्शन ऐड करेंगे। अगर कोई परमिशन एलो नहीं करता तो उसके लिए हम एक कैच का ऑप्शन ऐड करेंगे, एक्सेप्शन ई। तो अब हम यहाँ पे अपने तीनों कर्ली ब्रेसेस को छोड़कर थर्ड के लास्ट में हम यहाँ पे सेमी कोलन ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट करेंगे, बैकग्राउंड डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम एक और कर्ली ब्रेसेस को छोड़कर यहाँ पे एल स्टेटमेंट ऐड करेंगे। इफ नो परमिशन ग्रांटेड, कोई अगर परमिशन ग्रांट नहीं करता, इफ नो परमिशन ग्रांटेड फिर क्या होगा, फिर से एक हम कर्ली ब्रेसेस को छोड़कर यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन ऐड करते हैं। सो आई थिंक हमारा स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हो गया, लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। क्या मसला है, कहाँ पे एरर हैं यहाँ पे? ओ सॉरी, यहाँ पे हमने पर एरर था यहाँ पे। सो अब एरर ख़त्म हो चुका है, हम इसे रन करते हैं कि क्या सच में हमारा स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हो गया है या नहीं। सो हम इसे अपने फ़ोन में रन करते हैं और वेट करते हैं ताकि हमारा इमुलेटर स्टार्ट हो जाए। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। हम फिर से इसे दोबारा चेक करते हैं कि क्या मसला है हमारे कोडिंग में। यहाँ पे रन टाइम परमिशन दिया है हमने, रन टाइम परमिशन आई थिंक ठीक है, क्या मसला है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी में रन टाइम परमिशन
ये वाला मेथड ऐड नहीं किया, सॉरी ऐड नहीं, कॉल नहीं किया इस मेथड को। सो हम इस रन टाइम परमिशन मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। सो अब चेक करते हैं कि अब क्या मसला है। दोबारा से हम इसे रन करते हैं अपनी इम्यूलेटर को, अब क्या मसला आ रहा है आप चेक कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि अब हमारे जो परमिशन डायलॉग थे वो ऐड हो चुके हैं। या इसे डिनाय करते हैं, ये वाला भी डिनाय करते हैं, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज वाला भी डिनाय करते हैं। सो हमारा जो मेन एक्टिविटी है, जो होम एक्टिविटी है, वो ऑन नहीं होगा, वो स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा। इस तरह यहाँ पे हमारा म्यूजिक प्लेयर स्टॉप हो जाएगा। सो हम बैक करते हैं यहाँ पे, इसे फिर से हम रन करते हैं ये वाला। इस बार हम इस एलो करते हैं, दोनों परमिशन को एलो करते हैं। सो हमारा स्प्लैश स्क्रीन देख सकते हैं एंड हो गया और हमारा होम एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। सो हमारा स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी फिनिश हो गया और यहाँ पे होम एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी जो अभी तक हमने डिज़ाइन नहीं किया है, ये वाला एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमने परमिशन डायलॉग और स्प्लैश स्क्रीन ऐड किए गए। अगली वीडियो में हम डायलॉग ऐड किए थे परमिशन डायलॉग, इसको हम यूज़ करने के लिए कोडिंग करेंगे और होम स्क्रीन भी डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम म्यूज़िक, जितनी भी म्यूज़िक हमारे मोबाइल यूज़र के मोबाइल में होंगे, वो म्यूज़िक यहाँ पे शो हम करेंगे और इसके लिए जो इतना भी कोडिंग है वो भी करेंगे। तो अगर आप इस म्यूज़िक प्लेयर के कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी हम इस कोर्स का अगला पार्ट अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे।